हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और एमडी इस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत मेरी बालकनी में रखे प्लांट से कर रही हूँ। बहुत सुंदर दिख रहे हैं ये सभी प्लांट्स। और आज के वीडियो में मैं पुदीने का प्लांट कौन से पॉट मेल में लगाऊंगी, वही सभी बातें मैं आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी मेरे पास ये पुदीना है, ये प्लास्टिक का ग्रो बैग है, उसमें मैंने लगाया है। मेरी टेरेस में रखा हुआ है, फुल सनलाइट में रहता है, तो मैं इसी को दूसरे पॉट में हैंगिंग बास्केट में मैं लगाऊंगी। तो देखिए ये प्लांट्स है, उसी में से मैं रूट्स वाले प्लांट्स में ले लूँगी यहाँ से ही और उसमें लगा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लगा के रेडी कर दिया है। ये प्लास्टिक का एक गमला है और मैंने इस तरह से रूट्स वाला पुदीना लिया था। तो गमले में बहुत सारे नीचे छेद है और उसमें मैंने सबसे पहले सूखे पत्तों की एक मोटी वाली लेयर बना दी। उसके बाद वेल ड्रेन सोइल हो इसलिए मैंने सैंडी सोइल ली और उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया, आधा वर्मी कंपोस्ट और आधी सैंडी सोइल। तो ये देखिए इस तरह से, देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी मैंने बनाई और खाद और ये मिट्टी मिक्स करके मैंने उस गमले में डाल दी और फिर मैंने ये पुदीना उसमें लगा दिया। तो देखिए मैं रोज़ किसी न किसी प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, रिपोर्ट कर रही हूँ, तो उसका एक ही कारण है क्योंकि अभी गर्मियाँ बढ़ने लगी है और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसी वजह से मैं सभी प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लांट है तो किसी की रिपोर्टिंग करनी है तो ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, तो अभी अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेंगे किसी कोई भी प्लांट। तो इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया है। तो देखिए सूखे पत्ते मैंने इसमें इस वजह से डाले कि वो खाद का भी काम करेंगे और गमले को भी हल्का रखेंगे क्योंकि इसको हमें हैंग करना है, ऊपर लटकाना है, तो गमले का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिट्टी की वजह से, उसी वजह से मैंने किया है ये। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं है तो आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी मैं इसी में लगा देती हूँ, छोटा सा गड्ढा करके इसको मैं यहाँ पे उसकी रूट्स को दबा दूँगी। और देखिए किसी भी प्लांट को आप ट्रांसफ़र करें, किसी भी पॉट में लगाए तो उसको पानी देना ना भूले। मैंने इसमें पानी दे दिया है, पानी देना हम भूल जाते हैं तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि हम उसको एक जगह से निकाल के दूसरी जगह में लगाते हैं तो उसमें उसकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाती है, तो पानी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने लगाया है, अभी मैं दूसरे भी पॉट में उसको लगाने वाली हूँ। तो आपको वीडियो देखकर किसी भी बात का क्वेश्चन होता है कि क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। मुझे जितनी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो यही सभी बातें और यही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी मुझे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो देखिए वीडियो का एंड मैं बेल पत्र के प्लांट से कर रही हूँ। ये बिली का प्लांट है और महादेव को जो चढ़ता है बिली वही है बेलपत्र। तो देखिए कितना रूखा सूखा हो गया है और देखिए इसको मैं थोड़ा सा प्रून भी कर दूंगी, अभी गर्मियाँ बढ़ गई है तो उसी वजह से इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो आज ऐसा दिख रहा है तो मैं उसका भी अपडेट दूंगी आपको जब नए नए पत्ते निकलने लगेंगे तब। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि सभी मेरे नए वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ उसकी जानकारी लेकर, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।